विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति का चुनाव हार चुके हैं, जिसके बाद वो फिलहाल राजनीतिक पारी को विराम देने के मूड में दिख रहे हैं। उनका कहना है कि वो किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। उम्र का हवाला देते हुए वो कह रहे हैं, अब मैं 84 साल का हो गया हूँ और ये देखूंगा कि आगे क्या कर पाऊंगा। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा, मुझे देखना होगा कि सार्वजनिक जीवन में मैं क्या भूमिका निभाऊंगा, मैं कितना सक्रिय रहूंगा। मैं अब 84 साल का हूं तो ये समस्याएं हैं, मुझे देखना होगा कि मैं कितने लंबे समय तक काम कर सकता हूं। उन्होंने कहा वो किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। यशवंत सिन्हा ने साफ संकेत दिया कि वो एक बार फिर राष्ट्रीय मंच में वापसी कर रहे हैं। राष्ट्रीय मंच उन्होंने ही बनाया था, अब उसे ही आगे बढ़ाने के बारे में यशवंत सिन्हा सोच रहे हैं। अब उसे किस स्तर पर वो ले जा सकते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा पिछले साल मार्च में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने। विपक्ष ने 3 अलग अलग चेहरों पर विचार किया, लेकिन अंतिम सहमति यशवंत सिन्हा के चेहरे पर बनी। यशवंत सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो बड़े कारणों से तृणमूल कांग्रेस छोड़ रहे हैं। उनके हारने के बाद राजनीतिक गलियारों में कयास लगने लगे कि क्या यशवंत की टीएमसी में दोबारा वापसी होगी या नहीं। यशवंत सिन्हा ने उन तमाम संभावनाओं को खारिज कर दिया। यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर शिवसेना नहीं टूटी होती और झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेडीएस ने मुझे वोट दिया होता तो मेरा वोट शेयर 45% तक पहुंच जाता। इसके बाद मुझे जो वोट मिले वो किसी भी हारने वाले उम्मीदवार से ज्यादा थे। सिन्हा ने कहा वो अब किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे और स्वतंत्र रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी ये तय नहीं किया है कि वो आगे चलकर सार्वजनिक जीवन में क्या भूमिकाएं निभाना चाहते हैं। हालांकि वो किसी पार्टी में शामिल नहीं होंगे ये तय है। उन्होंने ये भी कहा कि वो टीएमसी के संपर्क में नहीं है, न ही मुझसे किसी ने बात की है और न ही मैंने किसी से। सिन्हा ने कहा, मुझे देखना होगा कि मैं सार्वजनिक जीवन में क्या भूमिका निभाऊंगा और कितना सक्रिय रहूंगा। मैं अभी 84 का हूं, इसलिए ये मुद्दे हैं। तृणमूल कांग्रेस से भले ही यशवंत सिन्हा की राहें जुदा हो गई हों, लेकिन तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का आभार जताने से वो नहीं चूके। उन्होंने कहा, मुझे बंगाल से सबसे ज़्यादा वोट मिले, मैंने वहाँ एक बार भी प्रचार नहीं किया। ममता ने मुझसे कहा कि दूसरे राज्यों पर ध्यान दें, वो पश्चिम बंगाल चुनाव पर ध्यान देंगी। सिन्हा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री थे। उन्होंने 2018 में भाजपा छोड़ दी थी। मार्च 2021 में वो टीएमसी में शामिल हो गए थे। उन्हें विपक्ष की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार बनाया गया, हालांकि विपक्ष की फूट साफ तौर पर देखने को मिली। बीजेपी का आदिवासी कार्ड चल गया और यशवंत सिन्हा यहाँ पर कमजोर पड़ गए। दरअसल झारखंड मुक्ति मोर्चा और बहुजन समाज पार्टी जैसे बड़े दल से जिनसे उम्मीद लगा रखी थी यशवंत सिन्हा ने, ऐन मौके पर इन लोगों ने आदिवासी चेहरे के नाम पर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। द्रौपदी मुर्मू की ये जीत बड़ी जरूर दिखाई देती है, लेकिन यशवंत सिन्हा ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। यहाँ तक कि इस राष्ट्रपति चुनाव में तीसरे चरण के बाद ही द्रौपदी मुर्मू जीत के लिए ज़रूरी आंकड़े को हासिल कर चुकी थी, लेकिन चौथे राउंड में द्रौपदी मुर्मू से ज़्यादा वोट पाकर यशवंत सिन्हा ने यह बताया कि वो एक कड़े उम्मीदवार थे, एक तगड़े उम्मीदवार थे। यशवंत सिन्हा खुद कह रहे हैं कि यदि शिवसेना में फूट नहीं होती तब तस्वीर कुछ और हो सकती थी। हालांकि इन आंकड़ों को समझने के लिए एक बहुत ही गहरी एनालिसिस की जा सकती है। हार के बाद में यशवंत सिन्हा क्यों हार गए, ये कहने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन खुद यशवंत सिन्हा का ये मानना है कि शिवसेना में फूट नहीं होती तो तस्वीर कुछ और होती। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से समझें तो जिस तरीके से यशवंत सिन्हा को संयुक्त रूप से उम्मीदवार बनाया गया था, ऐसा लग रहा था कि विपक्ष 2024 के लिए अपनी ताकत को दिखाने के लिए एक साथ आने का एक प्रयास करता दिखाई देगा। कांग्रेस और टीएमसी की बड़ी गहरी दूरियां हैं। इसके बावजूद यशवंत सिन्हा को दोनों ही पार्टियों की तरफ से वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी भी विपक्ष का महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी भी यशवंत सिन्हा के साथ आखिरी समय तक खड़ी रही। यही वजह है कि 3 लाख से ज़्यादा वोट पाने में यशवंत सिन्हा कामयाब हुए थे। इसके बावजूद हार तो हार होती है। यशवंत सिन्हा की उम्र 84 वर्ष है। वो सक्रिय राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। विदेश मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो देख चुके हैं। इसके बावजूद यशवंत सिन्हा अब राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से तो बाहर हुए ही हैं, सक्रिय राजनीति से भी बाहर हो रहे हैं। टीएमसी से नाता तोड़ने की बात उन्होंने कह दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि आगे वो क्या करेंगे, किस तरह से सक्रिय रहेंगे, इसके बारे में उन्हें विचार करना है और इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है उनकी उम्र।
यशवंत सिन्हा का ये चुनाव हारना विपक्षी एकजुटता के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी लगभग यही स्थिति देखने को मिल रही है। टीएमसी ने अपने आप को उपराष्ट्रपति चुनाव से बिल्कुल अलग कर लिया है, तो वहीं ये तय माना जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जो एनडीए के उम्मीदवार हैं और पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं, वो देश के अगले उपराष्ट्रपति बनेंगे। यहाँ पर एनडीए लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। यशवंत सिन्हा के तौर पर एक बड़ा मौका इसलिए भी माना जा रहा था क्योंकि बीजेपी में भी उनकी गहरी जड़ें रही थीं और बीजेपी में कई ऐसे दोस्त थे जिनसे उन्हें मदद मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।